खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सुषमा स्वराज के सामने बोलने से पहले भी विरोधियों को भी 10 बार सोचना पड़ता था और जो ये नहीं करते थे सुषमा स्वराज उन पर जोरदार प्रहार करती थी। साल 2012 कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने एफडीआई को लेकर ये कह दिया कि हरियाणा में कंपनियों को 24 इंच का आलू उगा कर दिया जाएगा। तो सुनिए सुषमा स्वराज ने उनकी किस तरह से क्लास ली। लालू यादव को भी उनके ही अंदाज में जवाब दिया। हमने पता किया कि भाई मैकडॉनल्ड्स आलू कहां से ला रहा है। पता चला कि मैकडॉनल्ड्स आलू अपने गुजरात के किसानों से ला रहा है, गुजरात से आ रहा है। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहां है इस देश में? पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड भी घबरा गया। आपकी भाषा, आपकी कल की भाषा सुन के मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। मगर जैसे ही वो आलू जमीन से उबल के बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती। दूसरा भाषण आया लालू जी का। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस से दूसरे वक्ता आए दीपेंदर हुड्डा, अंत में उनका नाम जुड़ा।